एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी। वेट, ये जो लड़की है ना वो किसी पे मरती नहीं है भाई, ये लड़की मारने वाली लड़की है। जी हाँ, ये कहानी है उनके प्यार की, एक ऐसा प्यार जिसमें दिल से ज्यादा गाड़ियां टूटी है। कहानी है सिल्की बाल और लंबी आई लैशेस वाले यश की। ये कहानी है छोटी हाइट और ऊंचे टेंपर वाली चिक्की की। कहानी है यक्की की। जी हाँ, मैं और मेरा भाई, दैट मीन्स यश राज प्रेजेंट द अल्टीमेट लव स्टोरी व्हेन यश मेट चिक। वॉयलेंस वॉज नेवर द सेम अगेन। अक्सर टी शर्ट पे लिखा देखा था कर्मा इज अ बिच, लेकिन श्याम और कैलाश को देखने के बाद आई काइंड अग्री, कर्मा इज अ बिच। कर्मा। लेकिन पता है क्या हुआ, एक अच्छी चीज हो, इस कर्मा के चक्कर में एक गुड कर्मा हो गया। क्या? मेरे भैया यश भैया और चिक्की भाभी का लव शुरू हो गया, उनकी लव स्टोरी शुरू हो गई। जब वो सीरियल मास्क किलर ने, मेरा मतलब श्याम ने, चिक्की भाभी को किडनैप कर लिया। फिर क्या था, सुबह से लेकर शाम तक मर्डर ही मर्डर, खून ही खून, वॉयलेंस ही वॉयलेंस। बट थैंक गॉड स्मार्टनेस के मामले में मेरे भैया मुझ पे गए। उन्होंने उस मास सीरियल किलर को ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया था, पर चिक्की भाभी को लेकर उस शाम का ऑब्सेशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। चिक्की भाभी को शाम से बचाने का बस एक ही तरीका था, विच वॉज अ लिटिल क्रेजी इफ यू आस्क मी, बट इट वर्क। अक्सर लोग सुकून, बैंक बैलेंस, पालक पनीर खत्म करने के लिए शादी करते, लेकिन मेरे यश भैया और चिक्की भाभी ने उस कर्मा को खत्म करने के लिए शादी की। आप मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएंगे ना? हम एक काम करते हैं, हम आज अभी इसी वक्त शादी कर लेते हैं। ये क्या कर रहा है श्याम? श्याम, मैंने तुझे समझाया था कि ये लड़की तुझे बेवकूफ बना रही है। अगर ये मुझे बेवकूफ बनाते तो मुझसे शादी नहीं करते। चिक्की जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं भैया। उठे चल। चिक्की जी,
ये गन चल क्यों नहीं रही है? यहाँ तक तो सब क्लियर है कहानी में, मगर आपको पता है प्रॉब्लम्स कैसी होती है? प्रॉब्लम्स उस पार्टी में वॉशरूम जाती हुई लड़की की तरह होती है। ऑलवेज आस्क द अदर वन, यू वांट टू कम? तो क्या था? मेरी भैया की लाइफ में प्रॉब्लम्स एक के बाद आधी चली गई। एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई कि दो प्रॉब्लम ऑलरेडी रेडी है। एक डोमेस्टिक, और चिक्की ही आपकी बहू है। ये चिक्की? वो हमको मौत आ जाती ना तो इतना दुख नहीं होता जितना इस बेशरम लड़की के आने पर हुआ है हमको। और एक प्रोफेशनल सर, मिनिस्टर साहब पे हमला करने की कोशिश की गई है और एक चांस से मारने का लेटर भी मिला है सर। तुम्हारे दिन अब गिनती के हैं। ये चिट्ठी किसने भेजी है? भाभी, वो मिनिस्टर साहब रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे तब वहाँ किसी ने फेंकी है। राजकुमार तुम वहीं थे ना? तुम्हारे होते हुए ऐसे कैसे हो सकता है? सॉरी सर, हमें और ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा। अरे मैं पहले भी बोल चुका हूँ सर, ऑफिस में, यहाँ पे मैं तुम्हारा चाचा हूँ, आओ चाय पियो हमारे साथ। मिनिस्टर चाचा तो फिर भी थोड़े ओकेश है, लेकिन जो चाची है सीरियसली हद से ज्यादा क्रीपी है। उनका तो उस रिसर्च फैसिलिटी के साथ भी कनेक्शन है जिसमें मैं काम करता हूं। लिसन, अगर किसी को, स्पेशली यश और चिक्की को, रिसर्च सेंटर और लैंड डील का कोई कनेक्शन है ये पता चल गया ना, तो समझ लो कि सब कुछ खत्म है। सो मेक श्योर कि उन्हें कुछ भी पता ना चले। अब उसके लिए तुम्हें चाहे जो करना पड़े तुम करो। वेट अ सेकेंड, हम जल्दी जल्दी कितना आगे पहुंच गए? मैंने आपको अपने रिसर्च फैसिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया ना। मेरी तो रिलेशनशिप में घोस्टिंग हुई है, पर उस रिसर्च फैसिलिटी में सच वाली घोस्टिंग हुई और पता नहीं क्या क्या हुआ है। इट्स रियली कंफ्यूजिंग। मुझे यहाँ पे एक्चुअली वो मेरा शुगर ड्रॉप हो गया था, इसलिए तुम फिर से मेरी मदद करने आ गई। थैंक यू, मैं हूँ तुम्हारे पास। ओके, रिमेम्बर दैट। ऐसे मेरे पास बहुत सारे सवाल है तुमसे पूछने के लिए, मुझे बहुत कुछ जानना है जिया। राज, वक्त आने पे मैं सब बताती हूँ तुम्हें, पर एक शर्त है। शर्त? क्या? सब प्रश्न शुद्ध हिंदी में होने चाहिए। प्रश्न? प्रश्न शुद्ध हिंदी में होने चाहिए? अच्छा। और फिर कहानी में हुई नए विलन पुलकित की एंट्री। यस। कैन आई हेल्प यू? मेरा कुछ सामान है इस घर में, वो लेने आया हूँ। ओह, भाभी जी ने मल्होत्रा जी के यहाँ से सीढ़ियाँ मंगवाई थी, आप वही वापस लेने आए क्या? चिक्की, मेरा टाइम बहुत कीमती है। अच्छा, आप रात को सोने की घड़ी पहन के सोते हैं क्या? चिक्की, क्या चिक्की चिक्की,
कोई आपको ऐसे धौंस पट्टी दिखा के बात कर रहा हूँ और मैं उसकी तरफ पलट के एटीट्यूड भी ना मारूं। सॉरी फॉर मी आस्क, आपका क्या सामान रह गया? किससे मिलने आया? ये बात अपने भाई से क्यों नहीं पूछ लेता? हाय, ये मैं वो हूँ जिसकी गर्लफ्रेंड के साथ तुमने पूरी रात गुजारी है। रिसर्च सेंटर का केस सॉल्व करते करते भैया और भाभी एक दूसरे के काफी करीब आ गए। मर्डर के मौसम में प्यार तो था, मगर एक नए रिश्ते की शुरुआत करने के लिए उस शाम का चैप्टर क्लोज करना बहुत जरूरी था। चिक्की जी, ये क्रिमिनल है, लेकिन उससे पहले एक मरीज है। कानून भी इसे फांसी देने से पहले हॉस्पिटल भेजेगा। प्लीज ऐसे गोली मत मारिए। मुझे पता था चिक्की जी, आप उससे इतना प्यार करती हैं कि मुझे कभी मरने नहीं देंगे। धीरे धीरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने लगे हमें, और दादी ने भी चिक्की को अपना लिया, माफ कर दिया। तो फिर आओ। दिल है यार गम की राजधानी, दिल है यार गम की राजधानी, आंसू जानता है इस घर का रास्ता। But wait, ये happy ending नहीं है, picture अभी बाकी है मेरे दोस्त। रिसर्च सेंटर पर मिस्टीरियस डेथ होने लगी और इसे छुपाने वाले कोई और नहीं, हमारे चाचा थे। अगर वो असली चाचा नहीं बल्कि नकली चाचा थे। पता था मुझे कि तू कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगा। मेरे को भी मालूम था इधर कोई बड़ा धांधली तो जरूर चल रहा है। तुम लोग इतना पैसा खर्चा करके मेरा प्लास्टिक सर्जरी करवाया है कि नहीं? लेकिन अभी अपन को क्या लगता है ना कि अपन पैसा बहुत कम मांगा। इधर दादी यश भैया के सामने एक शर्त रख दी थी। देखो बहुआ, अगर हमने रीत रिवाज के साथ बहुरिया का स्वागत नहीं किया ना तो लोग बातें बनाएंगे, और अगर बातें बनाएंगे ना तो बदनामी होगी, और ये बदनामी ही है बहुआ जिससे हमको सबसे ज्यादा डर लगता है। अच्छा
तुम में से सबसे अच्छी लिखाई किसकी है? जूही तुम्हारी? भैया की है, लेकिन लिखना क्या दादी? बहुरिया का इस्तीफा। हमारे घर की बहुरिया नौकरी नहीं करती, इसीलिए चिक्की कल से नौकरी पर नहीं जाएगी। क्या बोल रही हो दादी? हाँ। आप क्या बोल रही हो? 100 कदम हम चले हैं तो 1 कदम उसे भी चलना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारे नियम किसी को अच्छे नहीं लगते हैं। अरे कौन पतंग है जिसे डोर परेशान नहीं करती है? लेकिन बउआ तुम लोग भी सुन लो कि ये डोर ही है जो पतंग को उड़ाती है, उड़ने देती है, पींगे बढ़ाने देती है। बउआ, संस्कार, मर्यादा, नियम, ये 3 चीजें हैं जो परिवार को बांध के रखते हैं। क्या तुम मेरे बनोगी? Will you marry me, Ash? हम आकाश पाताल लेख कर देंगे, लेकिन चिक्की को पुलिस वाली नहीं बनने देंगे। बनोगी या नहीं? तुम मेरे लिए परफेक्ट नहीं हो। तुम्हें नजदीक से जानने के बाद मुझे अब लगता है कि शायद मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। बहुत परेशान हो रहे थे ना, मैं कहाँ चली गई थी, मैं कहाँ गायब थी, मैं वो रिंग खरीदने गई थी। मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया यश। मेरी किस्मत ने मुझे धोखा दिया। लड़की जान पर तो गई थी, पर चूम नहीं पाए। मेरी हाइट थोड़ी कम है ना, भाभी के दिल उन्हें एक दूसरे से दूर जाने नहीं देते, और उनका जो दिमाग है वो एक दूसरे के करीब आने नहीं देता। मेरे भैया अपनी लाइफ में जो भी डिसीजंस लेते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ चिक्की भाभी को प्रोटेक्ट करने के लिए लेते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भैया को क्या पता कि वो चिक्की भाभी को बचाने के चक्कर में एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे कि उन्हें खुद भी नहीं पता चलेगा। यश और चिक्की केस सॉल्व करने के करीब थे तभी भैया को मुश्किलों में फंसा दिया गया, ताकि ये विलन्स अपने इरादों में कामयाब हो पाए। Please, please, please.
ये सब कैसे हुआ? उठी भैया, भैया जिया ने भी उस दिन रिसर्च फैसिलिटी में डेड बॉडीज देखी थी। यस जिया, टेल देम सीट। जिया मुझे सब कुछ बता एंड डोंट मिस एनी डिटेल, जस्ट टेल मी एवरीथिंग। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई किडनी मिडनी चुराने वाली गैंग हो? नहीं, ये उससे भी बहुत ज्यादा डेंजरस है और बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड क्राइम। आई थिंक वो कोई ड्रग उन लोगों के ऊपर टेस्ट कर रहे थे, बट थिंग्स वेंट साउथ। मैं जानता हूं इंसाफ के लिए तुम शायद जेल भी चले जाओगे, कोर्ट में ही प्रूफ भी कर दोगे कि तुमने मर्डर नहीं किया, पर दादी अपनी फैमिली और ये दुनिया को क्या जवाब दो? कैसा जवाब? यही कि तुम्हारे अपने पूजे चाचा जी होम मिनिस्टर राजीव तंवर की बीवी यानी तुम्हारी सो कॉल्ड चाची के साथ तुम्हारे नाजायज संबंध थे। What the fuck are you saying? ये वर्ड हमेशा से भूलने के लिए तरसता था मैं। You know, real life scenario में ये कभी सिचुएशन आती नहीं थी। All thanks to you, yes. आज मैं वर्ड बोल पा रहा हूँ। एक बार वीडियो तो देख लो। यश और चाची, सैडली चाची जी को है ना ओकेजनल वन नाइट स्टैंड नहीं चाहिए था, पूरा का पूरा यश चाहिए था, और वो इस रिलेशनशिप को पब्लिक करने के लिए यश पे जोर डाल रही थी। यश को मंजूर नहीं था तो यश ने उन्हें मार डाला। Shut the fuck up, I swear I will tear you apart. ये सब कुछ बकवास है, सब झूठ है। I know. पर लोग गॉसिप को सच मानने के लिए बेकरार बैठे रहते हैं। आधी दुनिया से सच मानेगी, आधी दुनिया से झूठ मानेगी। तुम कोर्ट में जाओगे, लड़ोगे, फॉरेंसिक एक्सपर्ट आएंगे, ये फुटेज फेक प्रूव हो जाएंगे, पर सैडली तब तक तुम्हारी दादी ना सदमे से मर जाएगी। डोंट यू फकिंग डेयर। क्या हुआ, नहीं जल्दी इंप्रेस हो गए ब्रो? असली ड्रामा तो आना अभी बाकी है, अभी कहानी में बहुत उलझने आनी बाकी। अभी तो आपके अपने भाई की मतलब राज की खुद की लव स्टोरी। लव स्टोरी समझ में नहीं आता यार, वो लव स्टोरी है या? आई रियली डोंट गेट इट। खैर अब तो टी वायरस भी है। टी वायरस है तेजस्विनी, जिसके इरादे हैं काफी खतरनाक, और भैया को फंसाने वाली भी यही थी। इट्स सो हार्ट ब्रेकिंग। हम अब तक वायरस को परफेक्ट नहीं कर पाए। कितने देर में मर रहे हैं लोग? 4 घंटे में। What? इतनी जल्दी लोगों का मरना, इट्स जस्ट बैड बिजनेस। धीरे धीरे मरेंगे तभी तो क्राइसिस क्रिएट होगी, हमारी दवाइयां बिकेंगी, हमारी वैक्सीन बिकेंगी। जस्ट हैव टू गेट दिस वायरस राइट। हेड दर्द भी मेरा, दवा भी मेरी, और प्रॉफिट भी। मतलब मिस्ट्री पे मिस्ट्री, धोखे पे धोखा, इंट्रीग पे इंट्रीग। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आगे होगा क्या। और भाभी इतनी रात को? राज भाभी, भाभी भाभी क्या हुआ? राज चेंज कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। नहीं आप मुझे बताइए क्या हुआ। प्लीज मुझसे कुछ मत पूछो, मत कर देना भैया को बचा रहा है। प्लीज प्लीज तुम जल्दी कर। भैया क्या हुआ, प्लीज क्या हुआ? यश और चिक्की पर होगा एक अनदेखा वार। क्या फिर भी बरकरार रहेगा मर्डर के मौसम में प्यार? देखिए आशिकाना सीजन 2
स्ट्रीमिंग नाउ सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। आशिकाना सीजन 2 देखे नए एपिसोड्स सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।